अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल बखैर वाफियत हूँ और उम्मीद है कि आप भी अल्हम्दुलिल्लाह बखैर वाफियत होंगे। आज चूंकि यौम अरफा और सुबह ईद उल अज़हा है, मैं आप हजरात को इन दोनों की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह सुबहानहु व तआला हमारे इस ईद कुर्बान को और ईद उल अज़हा को कबूल फरमाए। मज़ीद आप हज़रात से गुजारिश है कि जैसे कि आज का आप माहौल देख रहे हैं, आप फिज़ा को अपने जहन में रखते हुए, माहौल को अपने सामने रखते हुए, जो आपकी कुर्बानी का जानवर है उसको बहुत ही अहतमाम एहतराम और मैं समझता हूँ कि उसको पर्दे के साथ में ज़बह करें, क्योंकि जो गंदगी है वो गंदगी ऐसे ना हो किसी के लिए वबाल जान बन जाए। इसलिए आपकी दानिशमंदी है कि आप उसको जब ज़बह करें तो जो उसकी गंदगी है उसको किसी उसमें लेके ताशले वगैरह में लेकर उसको महफूज मकाम पर ही डालें, और रास्ते में कभी भी कोई जानवर ज़बह ना करें। आप खुद भी संभल के रहें और दूसरों को भी समझाते रहें। मैं समझता हूँ कि ये मेरे और आपके लिए, तमाम उम्मत के लिए आफियत का बाइस बनेगी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा आपसे मुखातिब हुए। इंशाल्लाह यार जिंदा सोहबत बाकी के मुस्ताक, अगली मुलाकात जल्दी होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शब्बा खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।